वेलकम टू जाबिर मेडिकल हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है जाबिर और आप देख रहे हैं जाबिर मेडिकल हेल्प। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम प्रेक्सा 500 के बारे में बात करने वाले हैं। सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ मैं आपको। ये जेनरिक है, स्टैंडर्ड है। जेनरिक की क्या कीमत है, स्टैंडर्ड की क्या कीमत है, आपको कौन सा लगवाना चाहिए, कौन सा ना लगवाना चाहिए। अगर आपकी आपके घर में लेडीज़ है और वो प्रेगनेंट है, तो प्रेगनेंट लेडीज़ को अगर डॉक्टर आपकी लेडीज़ को ये डॉक्टर आपकी लेडीज़ को ये इंजेक्शन लिखता है, तो आपको कौन सा लगवाना चाहिए, कौन सा नहीं लगवाना चाहिए। मतलब आपको जेनरिक लगवाना चाहिए, स्टैंडर्ड लगवाना चाहिए, या आपको डॉक्टर जेनरिक लगा रहा है उस स्टैंडर्ड के पैसे ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपको जेनरिक लगा रहा है जिसकी कीमत बहुत ही कम हो और पैसे आपसे बहुत ज़्यादा वसूल रहा हो, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा चढ़ा कर कीमत लिखती है कंपनी। तो मैं ये सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा प्लीज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इंजेक्शन का मैं प्रेक्सा 500 mg में और 250 mg में मार्केट में आता है। इस इंजेक्शन का कंपोजिशन रहता है हाइड्रोप्रोकोस्टोन इंजेक्शन IP, जो कि सरले इंटरफार कंपनी का 2 ml का एम्प्यूल में मार्केट में नज़दीकी मेडिकल क्लिनिक से आपको आसानी से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी कीमत रहती है ₹150। जब आप इसको परचेस करें तो एक्सपायरी डेट का विशेष ख्याल रखें। और इस इंजेक्शन को स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है इंटरमस्कुलर के लिए। इस इंजेक्शन को स्पेशली इंटरमस्कुलर ही लगाया जाता है और इसको केवल डॉक्टर लेडीज़ को ही एडवाइज़ करते हैं। ये इंजेक्शन जेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये प्रोडक्ट सलरे इंटरफार कंपनी का है। ये प्रेगसेफ के नाम से जो है, जो जेनरिक प्रोडक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, इस पर कीमत है ₹150, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में है कितने की। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको डॉक्टर आपका डॉक्टर आपको इंजेक्शन लिखता है मेंटेन इंजेक्शन स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है, जो कि जैक्सन पाल का है, और प्रोलोटोन डिपोर्ट है, जो कि जाइडस का डीला का है। ये ही दो प्रोडक्ट ही सिर्फ मार्केट में स्टैंडर्ड के हैं, जेनरिक नहीं है। वो स्टैंडर्ड के हैं, एथिकल हैं, सिर्फ वो ही लगवाएं, क्योंकि आपसे पैसे ज़्यादा ले लेगा और जेनरिक दे देगा तो आपके पेशेंट को बहुत ही कम आराम मिलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंजेक्शन मेंटेन जैक्सन पाल फार्माटिकल्स कंपनी का प्रोडक्ट है और प्रोलोटोन डिपोर्ट जाइडस का डीला का प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, यही दो इंजेक्शन आप लगवाएं अगर आपको डॉक्टर लिख के दे रहा है, बाकी सभी इंजेक्शन जेनरिक है। देखिए फ्रेंड्स, मेंटेन और प्रोलोटोन रिपोर्ट आपको ट्रेड टू रेट ही मार्केट से मिलेंगे, 5 या 10% की छूट पर आपको मिल सकते हैं। बाकी सभी इंजेक्शन कीमत बढ़ा चढ़ा कर मिलेगी, लेकिन अगर वास्तव में ये 50% के साथ भी अगर आपको छूट मिले तब भी ये महंगा है। कोशिश करें कि आप अपने पेशेंट को एथिकल प्रोडक्ट दें, स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट दें, क्योंकि आपको पैसे तो बराबर ही देने पड़ रहे हैं, लेकिन आप जेनरिक ना लगवाएं, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत कम होता है और स्टैंडर्ड का बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्रोलोटोन डिपोर्ट कैडिला का या जेडिस का, कैडिला हेल्थ केयर का मिलेगा और मार्केट कर रही है जर्मन रेमडीज, और मेंटेन जैक्सन पाल कंपनी का है, क्योंकि आपसे मेडिकल स्टोर वाले पैसे स्टैंडर्ड के वसूल लेते हैं और ये बोलते हैं कि एक ही चीज़ है, बस हमारे एक ही चीज़ है, कंपनी का फ़र्क है, लेकिन आप ये ले लीजिए, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, सेम दवाई है। तो फ्रेंड्स, उनके बहकावे में ना आएं, उनको बोलो अगर आपके पास इंजेक्शन प्रोलोटोन डिपोर्ट या मेंटेन है तो दे दो, नहीं तो जवाब दे दो। फ्रेंड्स, मेडिकल स्टोर वाला आपको कहेगा कि ये सेम ही काम करेगा, आप उनके बहकाव में ना आए, केवल स्टैंडर्ड ही लगवाएं, क्योंकि रिजल्ट में बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन आपको पैसे पूरे ले लेंगे। अगर जेनरिक लगवाएं तो रिजल्ट बहुत कम मिलेगा, दवाई बहुत कम काम करेगी, सिर्फ स्टैंडर्ड ही लगवाएं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट स्टैंडर्ड हैं, जेनरिक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा आपको कि कौन स्टैंडर्ड है, कौन जेनरिक है, वैसे मैंने आपको बता भी दिया है। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, इस प्रेगसेफ के नाम से आता है, ये PD 500 के नाम से, बहुत सारे ब्रांड नेम से ये आता है। ये देखिए, प्रेगसेफ के नाम से सरले इंटरफार का ये कंपनी का प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड, इसका हाइड्रोप्रोगेस्टेरोन इंजेक्शन IP, ये 250 mg में और 500 mg मार्केट में आता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लियर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर अगर आपको प्रोलोटोन डिपोर्ट या मेंटेन लिखें तो आप इनके बहकावे में ना आएँ, ये जेनरिक इंजेक्शन ना लें। तो आप केवल अगर लगवाना है जेनरिक तो ले भी सकते हैं, लेकिन कम रिजल्ट मिलेगा। अगर स्टैंडर्ड का लगवाना है तो स्टैंडर्ड का ही लें आप, स्टैंडर्ड में आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा।
आपसे बोलेगा कि ये इसका 150 रुपये कीमत है, अगर आपको बोले कि 140 रुपये दे दो, 130 रुपये दे दो, 120 रुपये दे दो, 110 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, तो आपको ये 100 रुपये में भी महंगा है, कि इसकी कीमत है 25-30 रुपये फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो और स्नेड का कीमत है, स्नेड की आपको 5 या 10% पे छूट पे वो इंजेक्शन मिलेगा। तो फ्रेंड देखिए, मैं आपके लिए कितनी हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंजेक्शन हाइड्रोक्नोस्टोन या प्रेक्सा 500, पीडी 500, या प्रोडोनोडिपोर्ट 500, या मेंटेन 500 किस काम आता है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छे से बता रखा है कि इंजेक्शन किस काम आता है। तो वीडियो को लिंक के ऊपर क्लिक करके देख लीजिए कि इंजेक्शन किस काम आता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना था कि आप ये बहकावे में ना आए, स्टैंडर्ड के पैसे ले लेते हैं लेकिन जेनरिक प्रोडक्ट आपको देते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट कम होता है, उसका रिजल्ट ज़्यादा होता है, उनको उसमें इस इन जेनरिक में बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, उसमें कम होता है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जेनरिक ना लें, स्टैंडर्ड ही लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि ये इंजेक्शन किस काम आता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा वीडियो को, वहाँ जाकर आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। दवाई लेते समय एक्सपायरी डेट का विशेष ख्याल रखना चाहिए, दवाई का ओवरडोज नहीं लेना चाहिए, बच्चों के पास से दवा दूर रखनी चाहिए, दवाई का कोर्स पूरा करना चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह से आप इस इंजेक्शन को नहीं लगा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अच्छे से दे दूंगा, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों की संपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर।